बलरामपुर में स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं भारत सरकार की वित्तीय सेवा विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के निर्देशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी राम अभिलाख, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु, इंडियन बैंक के महाप्रबंधक के सुधाकर राव के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित कई रोजगार परक योजनाओं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वरोजगारियों को ऋण बांटा गया। वहीं बैंकों और कई विभागों द्वारा अपने स्टॉलों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार कर जानकारी दी गई। ग्राहक संवर्धन कार्यक्रम में 55 करोड़ के ऋण बांटे गए। गांव में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं का समूह का गठन करके और वो रोजगार से जुड़ी हैं और फिर उन्होंने CCL से पैसे लेके बड़े रोजगार पे काम करना शुरू किया है, जिससे हमारे यहाँ की महिलाएं कई प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। जैसे LED बल्ब बन रहा है एक समूह में अचार का उत्पादन हो रहा है और काले गेहूं की खेती की जा रही है और चने की खेती की जा रही है, जिससे आटे का पैकेट बन रहा है और चने से उसका बेसन और सत्तू बन रहा है। बाकी हस्तशिल्प से भी कार्य शुरू किया गया है, जिसमें जूट से बने सामान हैं, हैंड बैग वगैरह थैले हैं और उसके बावजूद जैसे पोल्ट्री फार्म और डेयरी में भी काम चल रहा है और हमारे यहाँ नर्सरी का कार्य चल रहा है। इससे काफी महिलाओं को सीख मिल रही है और महिलाएं आगे बढ़ने का भी प्रयास कर रही हैं। जो स्टैंड अप ऑफ इंडिया के अंतर्गत 10.5 लाख रुपए का लोन हमें प्राप्त हुआ है और इसकी जो हम कपिला मिल्कर बोर्ड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पशु आहार जिसे कहा जाता है, गाय भैंस जो खाती है यही आइटम आता है, यही बिकेगा और स्टेट बैंक की तरफ से कोई हमें परेशानी या कोई चीज की दौड़ भाग जो लोग कहते हैं हम दौड़ते हैं, लोन नहीं मिलता है। अरे लोन कैसे नहीं मिलता है? लोन मिलेगा जब आपकी कागजी कार्रवाई या पेपर पूरा होगा तभी तो लोन बैंक देगी। कोई इसमें परेशानी नहीं है। जो हमारे भाई है किसान है या व्यवसायिक है या व्यापार करने वाले हैं, पहले स्टेट बैंक में खाता खुलाए, वहां जाए अपना खाता अकाउंट नंबर चालू रखे, कुछ लेन देन करेंगे तभी तो उनको मिलेगा। बैंक मैनेजर के तत्वावधान में इनके सौजन्य से जो आज ग्राहक संवर्धन योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है उनका बलरामपुर के लिए, तो ये बहुत ही उपयोगी होगा। और कोई भी जितनी योजना हमारी चल रही है तो घर घर तक हमारा जो बैंक सेवा उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे काफी लोग जुड़ चुके हैं और हमारा ख्याल है कि और भी प्रगति आएगी और जल्दी हम जो पूरी तरीके से सेटिफिकेट कर लेंगे। केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा बैंकों से जो अच्छी सेवा देने के लिए ग्राहक संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन आज बलरामपुर में किया जा रहा है। जिले के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि निचले स्तर तक के लोगों को बैंकों से संबंधित सेवाएं मिल सकें, लोगों के अंदर बैंकों के प्रति विश्वास बढ़े और बैंक और जनता के बीच का जो समन्वय है वो काफी सरल और बेहद सटीक हो पाए। इस उद्देश्य को लेकर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है जिला पंचायत परिसर में और इसका जो मेन उद्देश्य यही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि विभिन्न विभागों के स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं ताकि लोग इसे देखकर आकर्षित हों और अपने जो यहाँ के लोकल स्टॉल है या लोकल उत्पाद हैं उसके विषय में जानकारी लें। सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सीधे ग्राहकों से जुड़ी हुई है और बैंक और ग्राहक के बीच का मामला है, उन सभी को यहां दर्शाने का प्रयास किया गया है। वो जो लोकल स्तर पर उत्पाद हो रहे हैं विभिन्न संस्थाओं द्वारा, विभिन्न संगठनों द्वारा, उन सबको यहां पर दर्शाने का प्रयास किया गया है ताकि लोग उस संबंध में जानकारी लें और अपना कार्य आगे बढ़ावें और उस कार्य को लेकर के अपने आय को बढ़ाते हुए स्वच्छ सुखी और समृद्धि जीवन व्यतीत कर सकें, ये उद्देश्य आज के इस कार्यक्रम का बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश के साथ अखिलेश तिवारी, लाइव टुडे बलरामपुर।